गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोग संकल्प लें कि वे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे और केंद्र में मोदी की सरकार बनाएंगे। शाह बोले, 2014 से पहले केंद्र में सोनिया मनमोहन की 10 साल की सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इससे पहले उन्होंने पद्मश्री उषा बारले के घर जाकर उनसे व परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय नेता जनता के बीच जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यहां उपस्थित विशाल जनता को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देख ले और समझ ले कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके बाद वे केंद्रीय मुद्दों पर आ गए। 2014 से पहले जब केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। आज मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। विपक्ष घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आए दिन आतंकवादी हमला होते थे, आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से घुसते थे और जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में उरी पुलवामा में हमला किया तो पीएम मोदी ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया।